अच्छा मैं फिर एक और बता दूं क्योंकि मैं फिर इस, मैं मैं फिर एक स्पो, स्पो, मेरे अंदर एक कंपेटेटिव स्पिरिट है मैंने जो एक इधर लंदन में बैठा हुआ एक और टुन्नी तो तो टुन्नी है वो बनता बड़ा सिविलाइज है पहली स्ट्रीम में आके मुझे कहता मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती पक्का पंजाबी और हर वक्त देसी देसी कहता है, जैसे देसी होना इंसल्ट है यानी इतनी इनको कॉम्प्लेक्स है अपने आप से तो एनी उसकी भी मैंने लॉयर से बात की क्योंकि मैं लॉयर से मिला मेरी बात हुई तो मैंने कहा वन ऑफ एज अ टॉपिक कोई रिपीटेड हेरासमेंट तो ना, आज, आ, आ, off, topic, नहीं ना हो रही तो ये एक बंदा है जो और ये काफी है इस तरह के लेकिन ये जो इधर लंदन में बैठा बाहर इंडिया में उनको तो नहीं हम कुछ कर सकते इधर इधर बैठे इधर नहीं छोड़ते हम किसी को तो तो उसका भी अब ये इधर से मैं थोड़ा हर, हट जाऊ ना तो उधर भी टेंशन डालूंगा अच्छा जी कह रहे हैं नहीं देखें ये फिरका फुरकी की बात नहीं है एक बात है जो बिल्कुल प्रिंसिपल्ट पोजीशन है कि जब हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की बात करते हैं अगर कोई मुसलमान ये हरकतें करता है मेरी वीडियोज इतनी बनी हुई ये अभी लपाड़े से कल परसों के आए हैं मेरी कोई डेढ़ सौ से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के साथ होता कुछ हो है बुरा डेढ़ सौ से ज्यादा हो गई वीडियोस इंग्लिश होगी मिला के एमनेस्टी को मैंने खड़काया दरवाजा ह्यूमन कमीशन का दरवाजा खड़काया यूएस कांग्रेस का दरवाजा खड़काया सबको मैं इंफॉर्मेशन भेजता हूँ तो मेरा एक प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का अब अगर वही कोई हमें बताता है और ये टुनियों को नहीं समझ आएगी बिकॉज जिस तरह मुसलमानों को नहीं पाकिस्तान में समझ आती उस तरह टुनियों को नहीं आती समझ अगर वही कोई अब्यूज इंडिया में होता या कहीं और होता है ऑब्वियसली मुझे इंडिया और पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस है कांगो में भी होगा उस पर भी कर लेंगे लेकिन नहीं है फोकस इतना और उसके भी एक मैं न्यूज इंग्लिश चैनल पे मैं एक और बंदे को ला रहा हूँ जो को होस्ट करेगा जो हमें ग्लोबल खबरें भी दिया करेगा एनीवे anyway, तो इसमें ये हमारा प्रिंसिपल पोजिशन है अब इस प्रिंसिपल पोजिशन पे कैसे हट सकते हैं ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया तो आपका इमोशनल प्रॉब्लम है यानी आपके बाप ने अगर आप के साथ कोई ज्यादा कर दी जो गलत हुआ तो आपने क्या बस उस अपने बाप का गुस्सा सारों के ऊपर निकालना भाई इस्लाम के ऊपर निकाले ना यही हमारा आर्ग्यूमेंट है ना इस्लाम के ऊपर निकाले और उस इस्लाम को फॉलो करता हुआ अगर कोई इंडिविजुअल कोई हरकत करता कोई दहशत गर्दी की हरकत करता तो उसको क्रिटिसाइज करो आप पूरे असल में प्रॉब्लम ऐसे लोगों की ये होती है कि इन लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा शायद नहीं हुआ होता बड़े ट्रॉमा से गुजरे होते हैं कुछ लोग लेकिन कुछ लोग गालिब जैसे लोग भी होते हैं जो ट्रॉमा से गुजरे दिमाग इन चेक होता है मैंने हजार दफा कहा कि गालिब हो कुछ और लोग हो जिनके साथ बुरा हुआ है वो अगर इनके साथ नफरत वाली बातें नहीं करते तो ये कौन है अच्छा इसके साथ भी कुछ हुआ होगा बुरा लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ कभी कोई बुरा नहीं हुआ

और चल IQ IQ की बात करते हैं मेरा चैलेंजर जब खैर अब तो पता नहीं कुछ और होगा ना अब तो पता नहीं लीगल चक्कर होगा इसको मेरे साथ बैठा देना इक्वल IQ का टेस्ट देंगे और देख लेंगे किसका IQ ज्यादा ब्रैग नहीं करूंगा मैं लेकिन ये मेरा ख्याल ये वही वाला चक्कर है वो जो 182 IQ नहीं आया था एक दफा हमारे पास वो लड़का पता नहीं क्या नाम था उसका

भाई आपको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है आपकी बातें बता रही है क्या और किसी ने इनके ऊपर बात नहीं थी की गालिब मैंने किसी ने इनके ऊपर बात नहीं की ये ये जब इन्होंने बातें शुरू की हमारे हमारे ऊपर कि भाई ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं ये हमें क्यों ऐसे किसने इनको कहा क्या मैंने किसी को मैसेज भेजा कि आप सनाट टुनियों के पीछे पड़े अगर लोग ये इतने पागल है लोग अगर कोई कमेंट इनको कर रहे होते हैं इनको प्रोवोक कर रहे होते हैं तो ये पागल हो जाते हैं वो एक उसकी स्ट्रीम थी पता नहीं एक ने पता नहीं नीचे से कुछ कर दिया इसने आधा घंटा इसने मेल्ट डाउन लगा दिया उसके ऊपर तो मेरा ख्याल इसको थेरेपी की जरूरत है बजाय इसके के, के... यूट्यूब uh, के चैनल पे जाके अपने वो स्यापा करने वाली माइया नहीं होती <laughs> हाँ बर्बाद हो, <laughs> so, anyway, so these, um, and channel, क्या यार इन, इनके ऊपर बातें पाते क्या? मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूँ